डियर स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू आर मैथमेटिक्स क्लास। आज अपनी मैथमेटिक्स क्लास में हम 14.4 स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11th का, जो आपका मैथमेटिकल रीजनिंग का हमारे 14.3 तक हम कर चुके थे। 14.4 का हम पहला क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। क्या डिस्कस कर रहे हैं हम यहाँ पे बच्चों? पहला क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, और पहला क्वेश्चन क्या है आपको, अगर हम बात करें यहाँ पे, ये कह रहा है कि हमें एक मैसेज है उसको 5 डिफरेंट तरीके से बताना है। ठीक है बच्चों, और मैसेज क्या है हमारा, हम उस मैसेज को लिख देते हैं यहाँ पर। हमने मैसेज नहीं लिखा हुआ अभी तक। वो मैसेज आपका, इफ अ नेचुरल नंबर, अगर आपकी कोई प्राकृतिक संख्या है, कोई नेचुरल नंबर है, ठीक है बच्चों, इफ द नेचुरल नंबर इज ऑड, अगर वो आपकी क्या है, वो ऑड है, ठीक है, देन इट्स स्क्वेयर, स्क्वेयर इज ऑल्सो ऑड। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से देखो जरा इस क्वेश्चन को, और इसको हमें क्या करना है, रीराइट द फॉलोइंग विद द इफ और देन, हमें इफ देन इन 5 डिफरेंट वेज। अगर हम इसको इफ और देन वाले स्टेटमेंट को देखें हम यहाँ पे, हमें इसको 5 तरीके से लिख के दिखाना है बच्चों। कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, यहाँ पे जरा क्वेश्चन को देख लो, अगर समझ नहीं आ रहा हो यहाँ पे, तो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, सिर्फ हमें इसको 5 तरीके से लिख के दिखाना है, किस स्टेटमेंट को, स्टेटमेंट को, कि अगर आपके पास कोई नेचुरल नंबर है तो वो ये होगा। ठीक है बच्चों, चलिए तो हम इसके 5 स्टेटमेंट को यहां पर लिख देते हैं। सबसे पहला हमारा क्या हो जाएगा, ए नेचुरल नंबर जो आपका नेचुरल नंबर है इज ऑड। सबसे पहले हम इसका यूज करते हैं किसका, इंप्लाइज का। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना, सबसे पहले हम जब भी स्टेटमेंट को रिराइट करेंगे तो सबसे पहले हम यूज करेंगे इंप्लाइज, इंप्लाइज दैट इट्स स्क्वेयर इज ऑड। ठीक है बच्चों, बात हमारे यहाँ पे, ये पहला स्टेटमेंट हो गया। दूसरा स्टेटमेंट यानी कि पहले में हमने यूज कर लिया इम्प्लाइज का, ये आप अगर आप देखोगे तो पहले में अपने किसका यूज कर लिया यहाँ पे, इम्प्लाइज का, और दूसरे हम यहाँ पे यूज करेंगे इन नंबर, इन नेचुरल नंबर इज ऑड। ठीक है बच्चा, इन नेचुरल नंबर इज ऑड ओनली, यहां पर यूज करेंगे ओनली इफ इट्स स्क्वेयर इज ऑड, स्क्वेयर इज ऑड। ठीक है बच्चों, 2 पॉइंट्स में आ गए यहां पे। पहला हमने इसके लिए इंप्लाइज कि अगर आपका नेचुरल नंबर जो है वो ऑड होगा, ये बताता है कि आपका जो स्क्वेयर है वो आपका ऑड है। अरे नेचुरल नंबर इज ऑड, वो सिर्फ तभी ऑड होगा तब उसका स्क्वेयर ऑड होगा। ठीक है बच्चों, 2 पॉइंट हो गए हमारे यहाँ पे, और हम यहाँ पे इनके 3 पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए हम यहाँ पर अलग से डिस्कस कर रहे हैं इस क्वेश्चन को। तीसरा पॉइंट जो कह रहा है, फॉर ए नेचुरल नंबर टू बी ऑड, फॉर ए नेचुरल नंबर टू बी ऑड, अगर उसको ऑड होना है, टू बी ऑड, ठीक है बच्चों, तो उसका स्क्वायर जो होगा, इट इज नेसेसरी, इट इज नेसेसरी। ठीक है, उसको क्या होता है, इट नेसेसरी दैट इट्स स्क्वेयर इज ऑड। ये तीसरा पॉइंट होगा कि अगर कोई भी आपका नेचुरल नंबर जो है, अगर उसको ऑड होना है तो उसके स्क्वायर को भी ऑड होना पड़ेगा बच्चों। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। अब इसका हम लिखते हैं स्टेटमेंट नंबर 4। स्टेटमेंट नंबर 4 क्या बन जाएगा यहाँ पे, अब इसको हम उल्टा लिख देंगे, फॉर स्क्वेयर, स्क्वेयर ऑफ ए नेचुरल नंबर, फॉर स्क्वेयर ऑफ ए नेचुरल नंबर, फॉर स्क्वेयर ऑफ ए नेचुरल नंबर। ठीक है बच्चों, हमने क्या बोला, फॉर द स्क्वेयर ऑफ ए नंबर टू बी ऑड, अगर हमें किसी के नंबर को और बताना है, किसी के नंबर, स्क्वेयर ऑफ ए नंबर टू बी ऑड, इट इज सफिशियंट। ठीक है बच्चों, इतना ही काफी होगा, दिस सफिशियंट कि क्या है, दैट द नंबर इज ऑड, द नंबर इज ऑड। बच्चों ध्यान रखना, कुछ आपको सिस्टम तरीके से लिखना है, पहले आपने इम्प्लाइज ऐड किया, फिर आपने ओनली लिखा यहाँ पे, फिर आपने क्या नेसेसरी कर दिया कि बस तभी हो सकता है यहाँ पे, फिर आपने पैटर्न को चेंज कर दिया कि स्क्वायर ऑफ द नंबर, अगर आपका नंबर का स्क्वायर ऑड होगा ऑब्वियसली वो नंबर आपका ऑड ही होना चाहिए। ठीक है बच्चे, लास्ट पॉइंट रहेगा यहाँ पे, इसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो लास्ट पॉइंट क्या है यहाँ पे,
ये बिल्कुल अच्छी तरीके से हमारा हो जाएगा इफ द स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर, स्क्वायर ऑफ अ नेचुरल नंबर, अगर आपके किसी भी नेचुरल नंबर का जो स्क्वायर हो जाएगा इज नॉट ऑड, ये नेगेटिव चीज आ गई यहाँ पे कि अगर किसी भी आपके नंबर का स्क्वायर जो है वो ऑड नहीं है, इसका मतलब वो नंबर भी ऑड नहीं होगा, है ना, देन द नंबर, देन द नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर इज नॉट ऑड। बच्चों ध्यान से देखो तो आप सारे सारे जो आपके स्टेटमेंट है वो सारे सारे दूसरे को फॉलो कर रहे हैं, आपके पहले जो तीन स्टेटमेंट है उसमें आपने सिर्फ ऑड नंबर को लिया है, उसके स्क्वायर को ऑड बताया है कि भाई आप ये होना चाहिए, इम्प्लाइज कर रहा है ये इम्प्लीकेट, ये उस तरीके से ओनली इफ होगा। बाकी दो जो है लास्ट के देखो, फॉर द स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर, यानी कि किसी भी नंबर के, किसी भी नेचुरल नंबर के, किसी भी नेचुरल नंबर के स्क्वायर को, स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर टू बी ऑड, अगर उसको ऑड है, वो ऑड तभी हो सकता है कि जब वो नंबर ऑड हो, मतलब वही है। आप देखो इसका मतलब क्या है कि आप किसी भी तरीके से देख लो आपके पांचों के पांचों स्टेटमेंट का मतलब वही है। बच्चों सिर्फ इसी वीडियो में सिर्फ इसी क्वेश्चन को समझा रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये क्वेश्चन काफी अलग है बाकी क्वेश्चन से, बाकी क्वेश्चन जो कॉन्ट्रा पॉजिटिव कन्वर्स बेस पे है उनको हम एक साथ कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा अलग सा था, इस क्वेश्चन को आप अलग से देख के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगी तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंजॉय इट, बाय बाय फॉर नाउ।